Hello friends, good evening, how are you? If your optional is agriculture, then upcoming 10 to 15 minutes are very, very important for you. Because in upcoming 10 to 15 minutes, I'm going to tell you what is the right strategy, what is important book list, and what is your exact syllabus, what parts of syllabus important for your target in 2020-23 or 2020-24 for scoring 300 plus in agriculture optional. I'm speaking with confidence because so many students have scored 300 plus in agriculture, as I'm teaching since last 7 years for this particular subject. So please be attentive for next 10 to 15 minutes. I'm going to teach you everything. I'm going to tell you everything, each and every angle of your preparation. Guys, your strategy is wrong, then you cannot reach to this place. If you want to reach to this place, please don't leave this 10 to 15 minute session in between. Okay, so I myself, Professor Krishna Bhokre, I did my master's in agriculture, also qualified ASRB NET examination, was a gold medalist at the time of my graduation, was a best student awardee at the time of my post graduation, also qualified ICAR JNU entrance exam, was SRF at INSA New Delhi, NASI Allahabad, then IISc Bengaluru, then ICRISAT Hyderabad, NIPJ New Delhi. I worked in these best places, also published so many research articles in national and international journals, participated in research conferences, symposium regarding agriculture. Okay. And mentoring for this optional since 2014. With my 7 years experience, I am going to tell you right strategy for agriculture optional. First thing for planning agriculture optional is having planner with you. It is said that if you fail to plan, then you are planned to fail. So ye planner wali book kya hai, kahan se milti hai? First thing is that this is a free ebook ke PDF ke form mein hai, available hai. ठीक है, या तो मेरी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो इसे, या तो इस नंबर पे जस्ट टेलीग्राम करो, आपको ये बुक की पीडीएफ मिलेगी। इसमें क्या है बेटा, टॉपिक वाइज सिलेबस को डिवाइड किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है। इसमें टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को हमें प्रायोरिटी रखनी चाहिए, किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, किस पे कम पूछे गए थे। इफ यू आर ये खुद अगर एनालिसिस करोगे तो 2 दिन आपके चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अराउंड 1989 से लेके 2020-22 तक बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे 21 लिखा, ये अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड कॉपी टेलीग्राम पर मैंने अभी अपलोड की है। ठीक है, तो 2020-22 तक पूरा मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। जैसे कि मान लो 2020-22 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको टॉप पे है, फिर 2021 का, फिर 2020 का, ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने अच्छे से सेग्रीगेट किया है। तो आपको में इसका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो जैसे ऑप्शनल लेते हैं पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के साइट पर, लेकिन यूपीएससी के साइट पर आई थिंक, मुझे लगता है 2012 से पहले ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, आरक्यू में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 1989 से लेकर 2020-22 तक पूरा इसको सेग्रीगेट करके रखा है। तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ये प्लानर वाली फ्री ई बुक। इसमें देखो जीएस में भी जो एग्रीकल्चर सेक्शन है उसके बारे में भी मैंने दिया है, उसके साथ देखो जो टॉपर्स है जिन्होंने ऑलरेडी 300 प्लस स्कोर किया है उनकी स्ट्रैटेजी भी इसमें दी है। तो एक जस्ट पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ये आपको 2020-23 या 2020-24 के एक अच्छे प्लानिंग के लिए काम करेगी। ठीक है, एक 90-100 पेज की एक पीडीएफ है, इसको आराम से डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ से बेटा। और दूसरी मुझे एक चीज आपको बतानी है, जो अपकमिंग बैच आने वाली है जो 2020-23 एंड 2020-24 के लिए है, वो दिसंबर में लॉन्च होने वाली है। तो बस आप अपडेट रहिए टेलीग्राम से या इस नंबर से, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट बैच आल्सो। बट इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द बुक लिस्ट, व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी। बिफोर दैट सो मेनी स्टूडेंट्स आर कॉलिंग मी, सर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, क्या इम्पॉर्टेंट होता है। देखो बेटा, यूपीएससी के सिलेबस जो है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, यहाँ पर कहीं पे भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में नहीं बोला है।
लेकिन फिर भी एवरी ईयर जो 32-35 या अराउंड लेट से 50 न्यूज जो इम्पोर्टेंट होती है, जो डायरेक्टली सिलेबस से रिलेवेंट है, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो, इसमें मैंने उसको कंपाइल किया गया है। इसकी भी पीडीएफ है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है, या तो मेरे वेबसाइट पर या टेलीग्राम चैनल पर, कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो 2012 की है, 2023 में भी ये मेन से पहले आएगी, 2024 को भी ये मेन से पहले आएगी। हर साल मैं कलेक्ट करके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो ये आप बस अपडेट रहिए। क्योंकि देखो, इफ यू आर एनालाइजिंग करंट अफेयर, बस कहीं पे न्यूज पेपर पढ़ोगे, एक आर्टिकल आधा घंटा पढ़ने के बाद हमें एक दो लाइन उससे निकलती, वो भी सिलेबस को कहाँ रिलेट करनी है आपको पता नहीं होता है, तो ये रिलेशन के साथ मैं इसमें बता देता हूँ, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आ जाएंगे आप बुक लिस्ट पर, जो आज का इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, बुक लिस्ट। देखो बेटा, अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें यूपीएससी का सिलेबस पूरे तरह से कवर किया है, सिंगल बुक कोई भी नहीं है। और यहाँ पे जो बुक्स जो बहुत सारे टॉपर्स या इंस्टीट्यूशन बताते हैं, किसी भी बुक को आपको कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बुक यूपीएससी सिलेबस के लिए नहीं बनाई है। जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड बुक्स है वो बनाई है बीएससी एग्रीकल्चर सिलेबस के हिसाब से, या एमएससी एग्रीकल्चर जो एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, एमएससी पीएचडी के एग्रीकल्चर की, इनके लिए बनाई, ये रिसर्च बेस्ड बुक होती है। बस इससे हमें कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के हमारा सिलेबस फिनिश करना होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार कोई बुक होनी ही चाहिए, ठीक है, तो आप ये वाली बुक के बारे में सोच सकते हो। सभी बुक्स ऑलरेडी मैंने पढ़ी है 10-10, 12-12 टाइम। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शन के लिए, पूरा मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा है। तो देखो, आप बोलोगे सर फिर ये कितनी बुक्स है, तो देखो ये अराउंड 20-25 बुक्स है, अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो। लेकिन पूरा नहीं, इसमें से देखो 20-25 बुक में कहीं पे 10 पेज पढ़ने हैं, तो कहीं 50 पढ़ने, कहीं 100 तो कहीं 200, तो सिलेबस में वही पढ़ना है। इसको आप पढ़ने जाओगे नॉर्मली से, आपको अराउंड 7 से 8 महीने लगेंगे पूरी बुक्स पढ़ने में 20-25। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है? यस, देयर इज अ शॉर्टकट। देखो, आप मेरे लेक्चर की डायरेक्टली पीपीटीज पढ़ सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट अपडेटेड मटेरियल है मार्केट में, क्योंकि बिफोर एवरी लेक्चर आई अपडेट द पीपीटी, है ना। तो मान लो जो भी रिसेंट चल रहा है क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कल 25th of November है ना, कल की डेट, जिसमें 2020-22 कल पेपर हुआ है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्रीकल्चर ऑप्शनल का। तो मान लो कल के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका थोड़ा करंट बेस्ड था। तो ऐसे जब ट्रेंड्स आते हैं तो बेटा क्या है, आप स्टैटिक मटेरियल पढ़ोगे तो वो काम नहीं करता है, इसलिए पीपीटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या तो ये सिनॉप्सिस ऑन एग्रीकल्चर, मैंने बुक सीरीज पब्लिश की है, टोटल 15 बुक की सीरीज है ये, ठीक है, जिसका अभी कुछ दिनों में फोर्थ एडिशन भी आएगा, अभी करंटली थर्ड एडिशन चल रहा है, फोर्थ भी आएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एट वन प्लेस सब कुछ यहाँ पे है, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और ये सीरीज से आप अराउंड 4 मंथ्स में, है ना, आपका सिलेबस आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो बुक के बारे में जो भी आपकी बुक लिस्ट वाली जो क्वेरी थी ना, आई थिंक लगता है सॉल्व हो। देखो बेटा, बुक लिस्ट की कोई लिमिट ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर कोई एग्रीकल्चर मैगजीन पढ़ू या कोई मैगजीन है, देखो इधर उधर मत जाओ। 95% जो आपका सिलेबस है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, वो डायरेक्टली स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है बेटा उसमें कुछ, जैसे कि मान लो जो चेंज होता रहेगा, तो उसी चीजों पे ज्यादा फोकस करो, और कोई भी एक सोर्स आप यूज करो, कोई भी एक सोर्स। देखो क्या होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट को बस स्टडी मटेरियल करने कलेक्ट करने की आदत होती है, इस इंस्टीट्यूट का नोट, उस इंस्टीट्यूट का नोट, ये सर का नोट्स, और सर का नोट्स, ये पीडीएफ, वो पीडीएफ। देखो बेटा, कोई भी अपना खुद का टाइम पास नहीं करता, हर कोई टीचर अपना अच्छा ही बनाने की कोशिश करता है, बस क्या होता है आप मल्टीपल सोर्सेज की वजह से कन्फ्यूज हो जाते हो। तो कन्फ्यूज मत होना, एक ही कंटेंट यूज करना। जैसे कि मैंने सिनॉप्सिस वाली सीरीज बनाई है, 5-6 साल के मेहनत से बनाई है, तो सिलेबस का मेरे एंगल से कोई टॉपिक आई थिंक छोटा नहीं है। अगर छोटा भी होगा तो ये अपडेट में करता रहता हूँ, बच्चों को मेल सेंड करता रहता हूँ कि देखो यार ये एंगल हम ऐड कर सकते हैं, वो एंगल हम ऐड कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट भी कभी कभी अच्छे सजेशन देते हैं कि सर नोट्स में इस पार्ट को हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, मैं इसीलिए उनके सजेशन एक्सेप्ट करके इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग।
तो ये बुक लिस्ट के बारे में देखो, ये वाला आपका आई थिंक जो डाउट है बहुत सारे बच्चों का, कौन सा बुक यूज करें। कोई सिंगल बुक नहीं है, मल्टीपल बुक्स आर देयर। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप पीपीटी या सिनॉप्सिस सीरीज यूज करोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि सिलेबस, सिलेबस सर क्या है? देखो अब अगर आपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया ही है ना, तो आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने सिलेबस ना देख के ऑप्शनल लिया हो, है ना। हर कोई सिलेबस देखता है, उसके बाद ही डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है। देखो नॉर्मली ये पेपर वन जो है, मैंने इसको 8 यूनिट में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री, उसके बाद में वीड साइंस, सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसमें से देखिए ये इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री का पार्ट थोड़ा थोड़ा सा करंट बेस है, ये करंट अफेयर बेस है थोड़ा सा, फिर भी इसमें स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं हर साल, लेकिन चांसेस होते हैं कि जैसे मान लो लास्ट ईयर यहाँ पे उन्होंने अलिनो पे पूछा था, कहीं पे मेंशन नहीं है फिर भी उन्होंने पूछा। एक साल इस पे जो आपका पराली का बर्निंग होता है ना, राइस स्टबल का, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया था। इस साल उन्होंने जियोग्राफिकल जीपीएस सिस्टम पे पूछा है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे पूछा है उन्होंने, जीआईएस पे, है ना। जैसे करंट बेस्ड जो जो टॉपिक है इसमें पूछे जाने के बहुत बार चांसेस होते हैं। कभी कभी इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे इस पे क्वेश्चन आता है। फॉरेस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिक आता है बेटा, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, ये थोड़े हॉट टॉपिक है, ऑलवेज इस पे क्वेश्चन आता है। कभी कभी वो कॉन्जर्वेशन पे भी पूछते हैं, इस साल आई थिंक कॉन्जर्वेशन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, या कभी वैल्यू एडिशन पे पूछ लेते हैं फॉरेस्ट, कभी कभी प्रोपोगेशन मटेरियल पे पूछे जाने के चांसेस है ये थोड़ा। अब बात हो गई यहाँ पे एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी में देखो ये एक टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न वाला, दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी वाला, तीसरा है कंसेप्ट ऑफ क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, और चौथा है ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग। ये चार टॉपिक है जिसमें रिपीटेडली क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर्स, कमर्शियल फॉडर क्रॉप, ये थोड़ा सा बल्की टॉपिक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा जब आप एक्चुअल मेंस लिखोगे तब इस टॉपिक को प्रिपेयर करो, क्योंकि क्या है आप बहुत सारे पल्सेस सीरियल्स का डेटा याद करोगे तो एग्जाम के टाइम तक चांसेस है कि आप उसको भूल जाओगे। जैसे आप प्रीलिम क्वालिफाई होते हो, इसके मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ बनाई है सेपरेटली, जो कि फ्रीली मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको बस एग्जाम के टाइम थोड़ा सा पढ़ना। देखो कल इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न में क्या डिफरेंस है, उसका प्रोडक्शन का तरीका नॉर्मल मेज से कैसा डिफरेंस है। तो ऐसे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो आपको थोड़ा अपडेट रहना जरूरी है। जैसे यूनिट नंबर 4 ये बहुत सिंपल है लेकिन एश्योर है, जैसे कि मान लो 30 to 40 मार्क्स का हर साल आता है ये वाला, इसमें टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड। हर साल एक क्वेश्चन है, हर्बिसाइड पे क्वेश्चन आता है, या तो कभी कभी ये वीड डिसिमिनेशन मल्टीप्लीकेशन भी क्वेश्चन आके गया है, बहुत बार क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन पे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉपिक इजी है और एश्योर मार्क आपको मैक्सिमम 20 से लेके 40 तक मार्क्स ही दे सकता है। पेपर वन में सबसे अगर इम्पोर्टेंट और मार्किंग वाला टॉपिक है तो ये दो यूनिट है वहां पर, देखो बेटा सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड 70 से लेके 130 तक इस दो टॉपिक का पोटेंशियल है। आप बोलोगे सर ये तो कैलकुलेशन 250 से ज्यादा चला जाएगा, देखो बेटा आपको यूपीएससी में 5 × 40 इज इक्वल टू कितने हो गए बेटा, ये आई थिंक 5 × 50 है, 50 वाला, हाँ 5 × 50, 250 का लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन तो आपको 8 देती है ना, 8 में से आपको 5 चूज करने हैं, तो टोटल में यहाँ पे आपको है ना ये ओवरऑल 8 के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये 5 के हिसाब से है, ठीक है, आपको 8 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से अराउंड 400 मार्क्स का अगर हमने टोटल रखा तो उसमें से आपको 70 to 130 मार्क्स का सॉइल साइंस का ही दिखा देगा वहां पर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट और ये बहुत इजीएस्ट वे है, जीएस जैसा दिखेगा, एग्रीकल्चर से हाँ रिलेशन है लेकिन उतना भी नहीं है। नॉर्मल किसी का जियोग्राफी में इंटरेस्ट है या तो जियोग्राफिकल ऑप्शनल रहा होगा तो बहुत इजी से चला जाता है। अब रहे दो टॉपिक जो कि सोशल साइंस से थोड़े मैच करते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डायरेक्ट डायरेक्ट टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, अप्लाइड टॉपिक पूछे जाने की चांसेस नहीं है। दोनों टॉपिक का देखो 30 या 240 है ना, 30 to 40 का पोटेंशियल है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है दोनों में, 7 7 7 से 8, 7 से 8 यूनिट है,
एक एक टॉपिक में, तो आप ये चैप्टर करोगे तो ये भी आपको इजी जाएगा। मोस्ट चैलेंजिंग जो चीज़ होती है पर्टिकुलरली नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट को या तो नॉन बायोलॉजिकल साइंस वाले स्टूडेंट को, वो होती है पेपर सेकेंड में यूनिट नंबर 9 से लेके यूनिट नंबर 13 तक। 13-14 मीन्स ये 9 to 12 थोड़ा सा टफ लगते हैं। क्यों टफ लगना बेटा? ये स्वाभाविक है क्योंकि देखो आपको इसने इससे पहले कभी आपने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीजें मुझसे एक बार समझ लोगे आई एम श्योर दैट कभी नहीं भूलोगे। टॉपिक इतने इंटरेस्टेड है, जैसे कि मान लो मैंने अगर आपको कोई लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज बता दिया, प्योर लाइन सिलेक्शन बता दिया, पेडिग्री मास रिकरेंट सिलेक्शन आपको पढ़ा दिया, बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप दूसरे दिन किसी और को पढ़ाना स्टार्ट करोगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक सीक्वेंस होता है इसमें, एक क्रोनोलॉजी है इसमें। जब पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आ जाता है। बस आप इसको देखोगे यार मुझे ये हेट्रोसिस क्या है पता ही नहीं है, मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे काम करता है ये पता नहीं है, कोई बात नहीं बेटा क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा नहीं इसलिए आपको थोड़ा डर लगता है। लेकिन जब आप पढ़ोगे अच्छे टीचर से चीजें समझोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें टफ चीज है। हाँ थोड़ा सा देखो स्टार्टिंग में समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक बार चीज समझ गई ना तो कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो अभी तक बहुत बार स्टूडेंट का ये होता है कि सर मेरा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने अभी तक बेटा 289 तक स्कोर हाईएस्ट किया है एग्रीकल्चर का, जो मैं जानता हूँ। मुझे पता नहीं किसी ने 300 प्लस भी किया होगा, लेकिन बेटा 289 इन एग्रीकल्चर ऑप्शन बाय एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हु डोंट हैव एनी बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड सिंस 10th स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा स्कोर है विद 4 to 5 months प्रिपरेशन। अगर आप मान लो अच्छा खासा प्रिपरेशन करते हो 2024 या 23 के लिए तो डेफिनेटली यू कैन क्रॉस दिस स्कोर ऑल्सो। ठीक है, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का उसी में 12 में आता है। हॉर्टिकल्चर का देखो ये भी आपके एग्रोनॉमी जैसा, ये पहले दो टॉपिक के थोड़े से बल्की है, मीन्स बहुत सारे क्रॉप्स वेजिटेबल्स फ्रूट स्पाइसेस है, ये मेंस के टाइम करना है। उसके टेबल्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं वेबसाइट पर, फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके इसको बस प्रिंट करना और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ठीक है, बाकी जो टॉपिक है प्रोटेटर कल्टिवेशन, ये पोस्ट हार्वेस्ट वाला, लैंडस्केपिंग वाला है ना, रोल ऑफ वेजिटेबल इन न्यूट्रिशन वाला, इजी है। तीन तीन चार चार पेजेस की इसकी नोट होती है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस एक बार चीजें समझो, एक बार समझ में आ गई जनरल लगेगी, कुछ भी क्यूरियासिटी नहीं रहेगी इस पे। इसमें प्लांट प्रोटेक्शन में थोड़ी सी आपको ये वाले फर्स्ट टॉपिक में दिक्कत आ सकती है, ये डिसीज और थोड़े क्या है ना याद करने में थोड़ा तकलीफ देंगे, क्लासिफिकेशन वाला है। क्लासिफिकेशन का भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, पहला ही थोड़ा सा। इसके भी पेस्ट एंड डिसीज वो मेंस के टाइम पढ़ना। आप बोलोगे सब सर क्या क्या पढ़ना है, बस तीन ही टॉपिक पढ़ना है मेंस के टाइम, एग्रोनॉमी वाला जिसमें का बस एक चैप्टर, हॉर्टिकल्चर का एक चैप्टर एंड प्लांट प्रोटेक्शन का एक चैप्टर, जो बल्कि है। अभी करोगे तो क्या होता है आपका टाइम इसमें बहुत ज्यादा चला जाएगा, फिर आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाओगे सर इतना सारा पढ़ा है फिर भी जो मैंने पढ़ा है एग्जाम में कैसे उतारे। लेकिन जो बाकी के टॉपिक आप देखोगे ना ये तीन चार पेजेस के इसके नोट्स है। मान लो ये वाले टॉपिक कोई अगर अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो 2 दिन में फिनिश कर लेगा, 2 दिन यानी कि 8 से 10 घंटे में है ना, एवरीडे अगर 4-5 आवर्स पढ़ता है तो हो जाता है। ये फूड एंड न्यूट्रिशन वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल टॉपिक है, जैसे जी जैसा ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द इसमें जैसे कि ये टारगेटेड पीडीएस है लैंड वाला है ना, आपने ऑलरेडी GS3 में इसको पढ़ा होता है क्रॉपिंग वाला, तो उसमें ज्यादा कोई नहीं है। ये माल न्यूट्रिशन वाली चीजें ऑलरेडी साइंस में आप स्कूल लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ी होती है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से देखो सिलेबस एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बहुत सिंपल है, इजी है। बस इसको क्या करना होता है बेटा, आपको इसको इग्नोर भी नहीं करना है और ओवर इम्फेसिस भी नहीं करना है, इसको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है विद गाइडेंस। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं। हाँ बेटा डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं देता। बहुत बार क्या होता है जैसे मान लो कोई वर्ड पे आप अड़ जाते हो, यू जस्ट स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर, और फिर बाद में कोई आपको समझाने वाला नहीं होता, फिर आप थोड़ा सा 1-2 दिन डिले, फिर 3-4 दिन डिले, फिर 10-15 दिन बाद पता चलता है यार मैंने सही ऑप्शन चूज किया है नहीं किया है। तो ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है ये किसी मेंटोर के साथ या किसी टीचर के हेल्प के साथ पढ़ने का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि खुद पढ़ने से नहीं होगा, होगा लेकिन ज्यादा दिक्कतें आएगी। अगर मान लो आपको रेस में भागना है 2023 वाले स्टूडेंट को, देखो बेटा आप रेड लाइन ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है क्योंकि जो लोगों को 23 के लिए प्रिपेयर करना था उन्होंने बाय डिसंबर एंड वो फिनिश कर रहे हैं। आप अगर डिसंबर में 2023 के लिए स्टार्ट करते हो तो बहुत दौड़ना पड़ेगा विद गाइडेंस। तो देखो बहुत बार आप स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, अगर 2023 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, अगर 2024 के लिए है तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी। 2023 वाले स्टूडेंट एनी हाउ
आपका सिलेबस मार्च एंड पे फिनिश कर दीजिए, मार्च एंड पर 2023 वाले। मान लो आप दिसंबर से भी अगर स्टार्ट करते हो, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च हो जाता है। आप बोलोगे सर प्रीलिम भी तो प्रिपेयर करना है। हाँ प्रीलिम प्रिपेयर करना है बेटा, लेकिन यार 2 घंटे तो देने पड़ेंगे। अगर 2023 आपका ड्रीम है, लगता है कि होना चाहिए, अगर 2 घंटे देते हो तो मार्च एंड में हो जाएगा। अगर आप 4 घंटे डेली देते हो तो ये जनवरी एंड में ही हो जाएगा। 2 आवर्स के हिसाब से मैं 4 महीने में पूरा सिलेबस फिनिश करता हूँ। अगर आप मान लो 2 या 4, ठीक है 4 महीने काफी है बेटा। या तो आप दिसंबर जनवरी में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, फिर फेब मार्च में थोड़ा कम देते हो तो भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा बैलेंस आपका प्रीलिम पे ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो बस आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो, वेल प्लान करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रिपोर्टिंग टू योर मेंटोर। बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है, खुद का प्लान बनाते हैं, 4-5 दिन हमने क्या प्लान बनाया वही भूल जाते हैं। अबे मेंटोरशिप में मैंने देखा है जो स्टूडेंट डेली मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर मैंने इतना फिनिश किया है, उतना फिनिश किया, ये टॉपिक मेरा रह गया, वो रह गया, तो क्या होता है उनमें एक क्या बोलते पॉजिटिव एनर्जी रहती है बेटा, कि यार हाँ मैंने सर से बात की, सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया, या तो मैंने मेरे डाउट सर से सॉल्व किए। तो ये क्या एक रिलेशन बना रहता है। तो विथ रिपोर्टिंग, विथ टीचर के गाइडेंस के अंडर करोगे तो 4 महीने में पॉसिबल है। इवन दो ये प्रीलिम के बहुत भी पॉसिबल है अगर आपने उसमें कुछ को करके रखा होगा। तो देखो अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा बर्डन है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वेटेज है हमारे सिलेबस में लेट से 60-70%, इतना तो आराम से आपका बिफोर प्रीलिम फिनिश हो जाएगा। बाद में रह गई बात बेटा 10-20% टॉपिक की, वो होगी प्रीलिम्स के बाद। जैसे इससे अगर आप जाओगे तो अराउंड 90% सिलेबस आपका मेंस तक प्रिपेयर होगा। आप बोलोगे सर ये 10% के बारे में क्या, ये 10% भी बेटा इसमें इंक्लूड है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें कितना भी मेहनत ले लो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि पेस्ट एंड डिसीज है, पर्टिकुलर क्रॉप्स है, ये 10% में आते हैं। अगर आप 90% भी अच्छा करोगे, अच्छा का मतलब बहुत अच्छा, जिसमें आपके नोट्स रेडी है, पूरा आपने एकदम मगअप करके रखा है, बहुत सारी आंसर राइटिंग की है, अगर 90% सिलेबस रेडी है तो आपको 60% मार्क्स आना बहुत इजी है। 60% मार्क्स का मतलब होता है 300+। ठीक है, तो आप एक थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से जाएगी। आप बोलोगे सर कितना, 60 या 70 करो या 10, बाद में 20। देखो इंडिविजुअल स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये स्ट्रेटेजी अलग होती है। अगर आपको लगता है कि यार मेरी खुद की एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यू कैन इजिली रीच मी एट दिस नंबर 8588-24247। यहाँ पर डायरेक्टली आप मुझे बात कर सकते हो कि सर मेरी खुद की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग कोई एक सिंगल स्ट्रैटेजी हर किसी स्टूडेंट को अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, अब 2024 वालों की बात रही गई है, तो देखो बेटा आपके लिए ये रहेगा कि आप मार्च या अप्रैल तक फिनिश करने की कोशिश करो एग्रीकल्चर ऑफिसर का सिलेबस, जिसमें आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे एक शॉर्ट के फॉर्म में, आपके रिविजन्स भी होंगे, है ना, और पॉसिबल होगा तो क्लास में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। इतना अगर आपने मार्च एंड तक किया, अप्रैल तक तो ठीक है, फिर उसके बाद में मई में आप क्या करो, पूरा रिवीजन करो। जून में फिर एक बार टेस्ट सीरीज होगा, जो मेंस के साथ 2023 वाले स्टूडेंट के मेंस के साथ आप टेस्ट सीरीज लिखो, तो आप खुद को कंपेयर कर पाओगे 23 को मेंस वाले लिख रहे हैं, इनके आंसर आपके आंसर, जो भी मिस्टेक हो जाएगी आप 2023 में ही मेंस वाले बच्चों के साथ क्रिएट करना, ताकि सेम मिस्टेक आपका जो एक्चुअल मेंस होगा 2024 में वहां पे मिस्टेक्स नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली बात आप इम्पोर्टेंट रखो, बाकी आपके लिए टारगेट सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सब चीजें देखो, और एक दिन में कोई गाइडेंस नहीं किया जा सकता, जैसे आपके डाउट्स आते हैं, क्वेरी आते हैं, वो है, क्योंकि गाइडेंस का मतलब होता है कि आपको कंटिन्यूस आपके साथ रहना, जब भी आपको डाउट है आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए, ना एक दिन में आपको डाउट्स क्रिएट होते हैं ना एक दिन में कोई डाउट सॉल्व हो सकता है, दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। बस ओनली बी इन टच विथ मी, जब भी आपको डाउट है, क्वेरी है, सिंपली इस नंबर पर मुझे कॉल करते रहो, आई एम अवेलेबल फॉर यू। ओके गाइज, अब हमारा नेक्स्ट 2023 या 2024 का जो बैच आ रहा है, ये दिसंबर में आ रहा है, दिसंबर 2022 में आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब 23 स्टार्ट ही हुआ है लगभग, तो इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली आई होप दैट एवरीवन विल स्कोर 300+ इन एग्रीकल्चर ऑप्शनल एंड वी मेक हिस्ट्री। आप सब लोगों का ड्रीम होता है कि 300+ मार्क्स एग्रीकल्चर ऑप्शनल में लाना, लेकिन मेरा ड्रीम है ऑल इंडिया रैंक 1 वाला
एग्रीकल्चर ऑप्शनल का हो जो अभी तक मेरे सुनने में नहीं आया है, जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का ऑल इंडिया रैंक है। ये मेरा ड्रीम है कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल वाला ऑल इंडिया रैंक 1 हो। तो आप बस यहाँ तक आइए, ये हो जाएगा अपने आप। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, सी यू, बाय बाय। Thank you.